कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। खट्टर ने कर डाला हरियाणा का बंडाधार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, इधर वाले लोग भी शामिल हो। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तैयार रहिएगा, यहां से लेकर के वहां तक जो चौथी पंक्ति में एक नाम आने जा रहा है ना, वो नाम अगर आपको अगर लगे कि यार बात कह दी है लड़के ने, तो फिर एक एक हाथ उठना चाहिए चौथी लाइन पे। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। तावड़ू वालों, सोना वालों, बहुत प्लान करके जो आपका भाईचारा है उस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको इस बारीक महीन खेल को समझना पड़ेगा। जो भाईचारा टूटा है उसको जोड़ने की कोशिश करिए। सरकार बनने जा रही है और मैं अपने समाज के लोगों से भी कहता हूं कि सरकार बनने जा रही है, इस बनती हुई सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करो। बटो मत, किसी झांसे में मत आओ, किसी झांसे में मत आओ। ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े, आपके बंटने से भाजपा जीत जाए तो 5 साल पछताना पड़े। इसलिए गुजारिश करता हूं कि किसी झांसे में मत आओ। सरकार बनने जा रही है, रोहतास जी आपके लिए काम करेंगे। अगर ये आपके लिए खड़े नहीं मिलेंगे तो मैं ज्यादा दूर नहीं रहता, दिल्ली में रहता हूं, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। मैं आपका हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं। आप मेरे आने की लाज बचाइएगा। 5 तारीख को जब घरों से बाहर निकलिएगा तो ये सोच के निकलिएगा कि आपका हाथ के पंजे के सामने दबाए गए बटन का एक एक वोट सिर्फ रोहतास खटाना जी को नहीं जाएगा, मोहब्बत के उस मसीहा को जाएगा जिसका नाम राहुल गांधी है। रोहतास खटाना जी को दिया गया आपका एक एक वोट भूपेंद्र हुड्डा साहब को जाएगा, दीपेंद्र हुड्डा साहब को जाएगा, शैलजा जी को जाएगा, उदयभान जी को जाएगा। आपका दिया गया एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। यह गुजारिश करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। मेरे भाई, मेरे भाई, मतलब की बात सब समझते हैं लेकिन बात का मतलब कम लोग समझते हैं। तो आपको बात का मतलब समझना है, जो कह रहा हूं उसको बहुत बारीकी से समझना है। ये प्रयोग करने का वक्त नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। मैंने कहा ना, सरकार बन रही है, हवा है, ये तो सब मान रहे हैं ना कि सरकार बनने जा रही है। अंधे गूंगे आदमी से भी कहोगे ना तो वो आंख बंद करके बता देगा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मेरे भाई, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैंने देखा है सरकार न होने का जुल्म क्या होता है।
आप भी झेल रहे हैं। सरकार बदलिए, माहौल बदलिए मेरे भाई, मौसम बदलिए। हरियाणा बदल जाएगा तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि दिल्ली बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है और यहां मौजूद एक एक आदमी से गुजारिश करता हूं कि उठाइए अपना हाथ, जिन्होंने अब तक नहीं उठाया वो भी उठाएं अपना हाथ, जहां है जैसे हैं खड़े हो जाइए अपनी जगह और उठाइए अपना एक एक हाथ रोहताश खटाना जी के लिए। 5 तारीख को घरों से बाहर निकलेंगे ना, जाएंगे बूथ पर ना, हाथ के पंजे वाले सामने बटन दबाएंगे ना, रोहताश जी को जिताएंगे ना, इमरान प्रताप गढ़ी के आने की लाज रखेंगे ना, राहुल जी के लिए घर से बाहर निकलेंगे ना। 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए, रोहताश जी को जिताइए। मैं पहली बार आया हूं लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूं। 5 के बाद जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो यही अनाज मंडी है ना, ये जो जगह है इसी अनाज मंडी में एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जाना है, और भी प्रोग्राम है, दुआ करिए कांग्रेस की सरकार बने, रोहताश जी विधायक बने, आपके अपने विधायक बने, जीते, और ताकि मैं राहुल जी से जाके कह सकूं कि मैं गया था, मैंने अपने समाज के लोगों के सामने दामन फैलाया और लोगों ने राहुल गांधी के नाम पे, भूपेंद्र हुड्डा जी के नाम पे, कांग्रेस के नाम पे अपना एक एक वोट दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू।